जरूरी नहीं है कि थ्रिलर फिल्म के लिए तेज भागती कारें हों, पीछा करने के दृश्य हों, सनसनाती गोलियां चले या युवा हीरो हीरोइन हो, इनके बिना भी एक थ्रिलर फिल्म बनाई जा सकती है। तीन इसका उदाहरण है। तीन कोरियन फिल्म मुमताज का ऑफिशियल रिमेक है, जिसे भारतीय परिवेश में बखूबी ढाला गया है। जॉन विश्वास की नातिन एंजेला का अपहरण हुआ और उसे फिर मार दिया गया। घटना को 8 वर्ष हो गए, लेकिन कातिल नहीं पकड़ाया। यह केस पुलिस ऑफिसर मार्टिन के जिम्मे था। मार्टिन, जो अब पुलिस की नौकरी छोड़ चर्च में फादर बन गया है, को भी इस बात की टीस है कि वह न एंजेला को बचा सका और न कातिल का पता लगा सका। एक दिन फिर एक अपहरण होता है। सारी घटनाएं उसी तरह घटती है जैसी कि एंजेला के साथ हुई थी। मार्टिन को सरिता सरकार नामक पुलिस ऑफिसर इस घटना की तहकीकात के लिए बुलाती है। मार्टिन और सरिता अपने स्तर पर इस नई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो दूसरी ओर जॉन अपने स्तर पर मामले की पड़ताल करता है। दो अपहरण की घटनाओं की दो समानांतर जांच चलती है। इसे एक रोमांचक अंदाज में दर्शकों के सम्मुख पेश किया गया है। फिल्म की कहानी रोचक है और अगले पल क्या होने वाला है, इस बात की उत्सुकता लगातार बनाए रखती है। फिल्म देखते समय दिमाग में कई तरह की बातें उठती रहती हैं और दर्शक लगातार फिल्म से जुड़ा रहता है। सुदेश नायर और ब्रिजेश जयराज ने स्क्रीन प्ले लिखा है और दक्षिण कोरियाई कहानी को पूरी तरह भारतीय बना दिया है। छोटे से छोटे डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है और आप एक संवाद या दृश्य मिस करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कुछ बातें अखरती भी हैं। सड़कों पर ब्लैक हुडी पहने एक आदमी घूमता है और उसे कोई नहीं देख पाता। उम्र दराज और थके हुए जॉन से कुछ ऐसी बातें करा दी गई जिसके लिए बहुत ताकतवर होना जरूरी है। जॉन के लिए कुछ बातें बहुत ही आसान दिखा दी गई है, पर इनसे फिल्म देखने का मजा किरकिरा नहीं होता। क्लाइमेक्स भी थोड़ा निराश करता है। निर्देशक रिबुदास गुप्ता ने इस परतदार कहानी को अच्छी तरह से पेश किया है। उन्होंने बातों को थोड़ा कठिन रखा है ताकि दर्शक हर समय अलर्ट रहे। 3/4 फिल्म में वे रहस्य को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। अंत में थोड़ा गड़बड़ा गए। इंटरवल ऐसे मोड़ पर किया है कि फिर से फिल्म शुरू होने का आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। फिल्म कहीं कहीं ठहरी हुई लगती है और लंबाई पर थोड़ा नियंत्रण निर्देशक को रखना था। अमिताभ बच्चन लगातार चौंका रहे हैं। अभी भी उनके अंदर कितना कुछ बाकी है। जॉन विश्वास के किरदार में वे इस तरह घुल मिल गए कि लगता ही नहीं कि यह अमिताभ है। जॉन के अंदर घुमड़ रही सारी भावनाओं को वे पूरी तरह बाहर ले आए हैं। विद्या बलन को ज्यादा अवसर नहीं थे, लेकिन वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। उस शख्स की मनोदशा दिखाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सफल रहे हैं, जो कभी पुलिस वाला था और अब फादर है। सब्यासाची चक्रवर्ती का अभिनय देखना हमेशा अच्छा लगता है। टीम की कामयाबी इसी में है कि फिल्म देखने के बाद भी आप इसके किरदारों और कहानी को लेकर खुद से सवाल जवाब करते रहते हैं। इसे धैर्य और ध्यान से देखना जरूरी है, तभी आप इसका मजा ले सकेंगे। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।